सावन के महीने में भूलकर भी न करें ये 11 काम। सावन महीना तप और साधना का महीना है, इसलिए इस माह में विलासिता वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। इसलिए सावन के माह में गद्देदार बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन के महीने में प्याज, लहसुन, अदरक, दूध, दही, कढ़ी, मूली, बैंगन और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में नशा नहीं करना चाहिए। पान, सुपारी, तंबाकू, गुटखा या अल्कोहल जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के माह में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप गंभीर रोग या किसी भी प्रकार के शोक से ग्रस्त हो सकते हैं। आप पर शिव के अपमान का पाप भी लग सकता है। सावन के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। सावन भर भोलेनाथ को जल और बेलपत्र चढ़ाएं तो और उत्तम रहेगा। सावन माह में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि। सावन के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए और ना ही इस महीने में बाल और दाढ़ी कटवानी चाहिए। सावन माह में यदि आपके द्वार पर कोई भी आए, जैसे गाय, बैल, भिक्षु आदि, वह सभी अतिथि होते हैं, उन्हें भगाना नहीं चाहिए। सावन माह में किसी का अपमान ना करें, खासकर देवता, माता पिता, गुरु, जीवन साथी, मित्र और मेहमान। इस माह किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सावन माह में शिव पूजा में कोई गलती नहीं करना चाहिए, जैसे शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, केतकी का फूल या तुलसी अर्पित करना, शिवलिंग के समक्ष ताली या शंख बजाना। सावन के महीने में कांसे, प्लास्टिक या पत्थर के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।